ग्वालियर पुलिस द्वारा ऑनलाइन सटोरियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच शिवनगर कुमारपुरा में एक सटोरिया मोबाइल पर राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते मिला है। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच चल रहे आईपीएल मैच पर लिंक के माध्यम से अन्य लोगों को लिंक भेजकर सट्टा खिलवाना पाया गया। उसके पास मोबाइल में आईपीएल का सट्टा खिलवाने के लिए आईडी खुली हुई पाई गई। पकड़े गए सटोरिया के द्वारा लोगों से पैसे लेकर आईपीएल क्रिकेट मैच की हार जीत पर दाव लगाकर अवैध लाभ कमाना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए सटोरिया तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 32,400 रुपये नकद, एक वीवो कंपनी का मोबाइल मिला जिसे विधिवत जब्त किया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए सटोरी से मिले मोबाइल को चेक करने पर उसमें लगभग 3 लाख रुपये का हिसाब किताब भी मिला है। ये कल जो आईपीएल मैच चल रहा था उसमें लगातार क्राइम ब्रांच और बॉलीवुड पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसमें क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी और कुमारपुरा क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाटीपुर की टीम के द्वारा कंबाइंड वहाँ पर बताए हुए मुखर के बताए हुए स्थान पर गए और उस व्यक्ति को देखा तो उसके मोबाइल पर ऑनलाइन जो मैच चल रहा था उससे सट्टा खिला रहा था। तो इसमें फिलहाल उसके रसद में लिया गया, उससे कब्जे से 32,500 रुपये ले लिए एवं किसकी आईडी थी, आईडी 1EXCH की आईडी के से वो एजेंट के रूप में काम कर रहा था और क्लाइंट्स उसके लगभग 30 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे और लाखों का हिसाब किताब मिला है। उसे कब्जे से मोबाइल जब्त कर लिया है, 32,500 रुपये जब्त कर लिए हैं और पूरी लिंक उसकी निकाली जा रही है। फिलहाल कहा गेमिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर दिया गया है भैया।